दोस्तों चंद्रयान 3 पर लगातार इसरो जहां देशवासियों को खुशखबरी दे रहा है, वहीं चंद्रयान 2 ने पूरे देश को मायूस कर दिया था। लेकिन इस मायूसी के बीच चंद्रयान 3 के बीच आखिर एक्टिव हुआ चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 ने खोज डाला उस ही पूरे के पूरे चांद के बाहरी वातावरण पर ऑर्गन 40 गैस की खोज। चंद्रयान 2 की इस खोज से कैसे पूरे दुनिया को मिल सकती है एक बड़ी राहत। इस खोज के बाद अब नासा भी इसरो के सामने किया सरेंडर। चंद्रयान 2 की इस उपलब्धि से इसरो भी झूमा। पूरे देश में एक बार फिर से नई खुशी की लहर चंद्रयान 2 ने दे दी है। दोस्तों आपको याद होगा 2019 में जब चंद्रयान 2 गया और आखिरकार वो अपने मिशन पे कामयाब नहीं रहा और सही तरीके से चांद पर वो नहीं उतर सका और अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद पूरे देश में निराशा थी। हालांकि हंसने वाले देश तो हंस रहे थे, लेकिन आपको बता दें अब चंद्रयान 2 ने उसके बाद से जो जो कुछ किया है वो कारनामा आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अब उन्हीं में से एक और कारनामा जो है वो कर दिया है चंद्रयान 2 ने। चंद्रयान 3 भेजने के बाद चंद्रयान 2 लगातार एक्टिव मोड में आ रहा है। चंद्रयान 2 ने अब बड़ी खुशखबरी इसरो को दे दी है और चंद्रमा की बाहरी वातावरण में चंद्रयान 2 ने खोज निकाला है ऑर्गन 40 गैस का खजाना। देश के चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। चंद्रमा के बाहरी वातावरण में ऑर्गन 40 गैस की मौजूदगी का पता चल गया है। चंद्रमा के सबसे बाहरी वातावरण यानी एक्सोस्फीयर में ऑर्गन 40 गैस फैली हुई है। इसी अहम खुलासे से चंद्रमा की सतह के बारे में कई नई जानकारियां मिल सकेंगी। गैस की मौजूदगी के खुलासे से चंद्रमा को लेकर के जारी स्टडी में मदद मिलने की उम्मीद है। ऑर्गन 40 गैस की मौजूदगी को लेकर खोज ऑर्बिटर पर मौजूद एटमॉस्फियरिंग कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने भी की है। इसरो ने मंगलवार को बताया है कि चांद पर ऑर्गन 40 गैस की मौजूदगी पहले भी मिली थी, लेकिन हालिया खोज में इस गैस के उन जगहों में होने की जानकारी मिली है जिसे लेकर वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी। इसरो ने कहा है कि ऑर्गन 40 चंद्र एक्सोस्फेरिक स्पेसिस की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए अहम ट्रेसर परमाणु है। आर्गन 40 चंद्र सतह के नीचे मौजूद पोटेशियम 40 के रेडियोधर्मी विघटन से निकलता है। इसरो ने बताया है कि हालांकि अपोलो 17 और लेडी मिशनों ने चंद्र एक्सोस्फीयर में ऑर्गन 40 की उपस्थिति का पता लगाया है, ये माप चंद्रमा के निकट भू मध्य रेखीय क्षेत्र तक सीमित थे। कई खोज को लेकर के निष्कर्ष जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित की गई। चेस 2 अवलोकन से पता चला है कि ऑर्गन 40 वितरण में महत्वपूर्ण स्थानिक विविधता है। आपको बता दें याद होगा कि 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के तहत चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को उतारा जाना था, लेकिन इसमें विफलता मिली थी। मिशन के पहले हिस्से के तहत इसका ऑर्बिटर चंद्रमा के ऑर्बिट में स्थापित किया गया था और यह सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा है। इसरो के मुताबिक चेस 2 अवलोकन चंद्रमा के भूमध्य और मध्य अक्षीय क्षेत्रों में फैली ऑर्गन 40 की दैनिक स्थानीय भिन्नता की जानकारी दे रहा है। इसरो के मुताबिक 1972 में अमेरिका के मिशन अपोलो 17 ने चंद्रमा पर ऑर्गन 40 को लेकर पुष्टि की थी, लेकिन अब आपको बता दें इस पूरे मामले में चंद्रयान 2 भी जो है वो लगातार इस चीज़ का साइन भेज रहा है कि वहाँ बड़े पैमाने पर कई जगहों पर ऑर्गन 40 है। इस बीच आपको बता दें खबर ये भी निकल के आई है कि हीलियम जैसी खोज भी जो है वो चंद्रयान 2 आने वाले समय में कर सकता है, क्योंकि लगातार अभी ये गतिशील है। दरअसल जहाँ एक तरफ चंद्रयान 3 अपनी चौथी कक्षा को छोड़ करके 25 जुलाई को पांचवी कक्षा में प्रवेश कर गया है, आने वाले 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच उस वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंदा मामा की तरफ बढ़ जाएगा और फिर उसकी स्पीड 36,000 किलोमीटर से 41,000 किलोमीटर बढ़ा दी जाएगी। इसरो ने कहा है कि हम चंद्रयान 3 जो है वो बड़ी ही आसानी से लैंडिंग करा देंगे और चंद्रयान 3 का स्वागत के लिए चंद्रयान 2 पूरी तरीके से हमें जानकारी दे दिया है कि आखिर किस छोर में उतारना है किस छोर में नहीं। पानी से लेकर के रेत तक, समतल से लेकर पहाड़ तक, वो सब जानकारी चंद्रयान 3 ने बाकायदा हमें चंद्रयान 2 ने हमें पहुंचाई है और इसी मद्देनज़र हम ऐसी जगह पर चंद्रयान 3 उतारेंगे जहां आज तक पूरी दुनिया जा नहीं सकेगी। ऐसी जगह भारत का झंडा गाड़ेंगे जहां आज तक पूरी दुनिया गई नहीं है। तो दोस्तों कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से चंद्रयान 2 लगातार कारनामे कर रहा है और चंद्रयान 3 तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि सुपर पावर वाली दुनिया में भारत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें,
अगली खबर आपको बता दे दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर एक ऐसी जानकारी आई है जिसके बाद से इसरो एक्टिव हो गया है। इसरो के वैज्ञानिक श्रीलंका आखिर क्यों जाना चाहते हैं? इसरो ने बड़ी जानकारी दी है। चंद्रयान 3 के वो 4 हिस्से, जो गिर एक हिस्सा श्रीलंका में गिरने वाला है, जिसको लेकर इसरो ने डिटेक्ट किया है। चंद्रयान के बाकी हिस्से कहां गिरे हैं? चंद्रयान 3 के बाकी हिस्से के गिरने की वजह क्या है? आखिर चंद्रयान के कुछ हिस्से क्यों अभी भी उसी खास करके ऊपर अटक गए हैं? आखिर बताएंगे चंद्रयान के वो हिस्से जो चंद्रयान के बाकी जगह से अलग हो रहे हैं। चंद्रयान के इन हिस्सों को लेकर शायद ही आप जानते होंगे कि चंद्रयान 3 को छोड़ने के बाद रॉकेट के हिस्से अलग हो जाते हैं। बूस्टर रॉकेट, दोनों हीट सील, लिक्विड जिन और क्रायोजेनिक इंजन, ये सब जो है वो अगले कुछ घंटे में ही अलग हो जाते हैं। लेकिन अब ये अलग होकर गिरे कहाँ हैं, ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने जो अपडेट दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। क्रायोजेनिक इंजन, जो कि आपको बता दें 16 जुलाई को ही इस चंद्रयान 3 से अलग हो गया था, लेकिन अभी तक ये अंतरिक्ष की सतह में अटका हुआ था। कुछ इंजन इसके जलकर खाक हो गए हैं, कुछ श्रीलंका की दक्षिणी छोर पर गिरने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। दरअसल आपको बता दें, इन चारों के चारों हिस्सों को जो है वो इसरो के वैज्ञानिक डिटेक्ट करते रहते हैं कि कभी कहीं ऐसी जगह न गिर जाए, पृथ्वी के किसी ऐसी जगह न गिर जाए जिससे आबादी वाले इलाके में लोगों को नुकसान हो, या फिर ये अंतरिक्ष से नीचे नीचे धीरे धीरे आते हैं, कभी ऐसा ना हो कि ये किसी विमान पर गिर जाए या किसी भीड़भाड़ आबादी वाले या जहाज या किसी के घर पर गिरे। इस वजह से वैज्ञानिक इसको डिटेक्ट करते रहते हैं। अब जो इसरो की तरफ से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, हम आपको बता देते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 के बाकी हिस्से, बचे खुचे हिस्से अब कहां कहां गिर रहे हैं, और सबसे पहला हिस्सा कहां गिरा था भारत की किस जगह पे, जिसको वैज्ञानिकों ने सेना की मदद से वापस पा लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पे हो गई। इस बीच 4:15 के बाद लॉन्चिंग व्हीकल मॉड्यूल 3 यानी LBM3 रॉकेट चंद्रयान 3 से अलग हो गया था। चंद्रयान तो चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहा है, और अगर करंट सिचुएशन की हम बात करें तो फिलहाल चंद्रयान 3 इस समय चौथी कक्षा को लगभग पूरा करने वाला है, और अगले 24 घंटे में वे पांचवी कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी पृथ्वी की 3 कक्षा को पूरा करने के बाद चौथी कक्षा में अपना चंद्रयान 3 85,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर बड़ी ही आसानी के साथ और इसरो वैज्ञानिकों को इशारे पर घूम रहा है। अब पांचवी कक्षा में अगली 24 घंटे में प्रवेश कर जाएगा, और फिर 25 जुलाई को वो पांचवी कक्षा में जाएगा, फिर 31 से 1 अगस्त जो है वो पृथ्वी की इस कक्षा को, ऑर्बिट को छोड़ करके वो चांद की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसरो की लॉन्चिंग के बाद अगले 16 से 17 और 20